कर्म कहाँ निष्फल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक। मैं देखो आज आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में मैं ब्लड के बारे में बता चुका हूँ कि ब्लड ग्रुप, ब्लड के में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ब्लड हमारी बॉडी में किस चीज़ में हेल्प करता है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको ब्लड ग्रुप के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना अपने ब्लड ग्रुप के बारे में, और इस वीडियो के बाद आप अपना ब्लड ग्रुप खुद भी चेक कर पाएंगे। इतना आसान हो जाएगा आपके लिए ब्लड ग्रुप चेक करना कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस आपके पास एक माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना तो देखना पड़ता है ये। और इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है कि ब्लड ग्रुप, किस ब्लड ग्रुप में आपको शादी करनी चाहिए, RH फैक्टर निगेटिव पॉजिटिव होने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं आफ्टर मैरिज, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इससे पहले क्या होता था, किसी को ब्लड अगर चढ़ाया जाता था तो उसकी डेथ हो जाती थी। इस वजह से कार्ल लैंडस्टीनर ने ये सोचा कि आखिरकार कुछ तो ऐसा है ब्लड के अंदर जो हम नहीं समझ पा रहे। तब उन्होंने 1901 में 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसकी वजह से मेडिकल टर्म में, मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, जैसे हजारों लोगों की जान बचने लगी। देखिए कैसे पता चलता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था ब्लड इससे पिछली वीडियो में कि ब्लड में दो चीज़, 60% प्लाज्मा होता है और 40% RBC होता है। अभी 60% प्लाज्मा में एंटीबॉडीज किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में, और 40% में क्या होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने बताया था कि RBC WBC में क्या बनता है, एंटीबॉडीज, क्योंकि WBC एज ए सोल्जर का काम करते हैं हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए। लेकिन एंटीबॉडीज किस में होते हैं, प्लेटलेट्स में, कितना, सॉरी प्लाज्मा में। कितने टाइप के होते हैं, लगभग पांच टाइप के होते हैं, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, ये होते हैं आपके एंटीबॉडी, जिसमें दो एंटीबॉडीज IgG और IgM ये आपके ब्लड में, आपके खून में पाए जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना ये तो अपना ही खून है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए, कैसे आप निर्धारण करते हैं ब्लड्स का, सॉरी, उसके बाद देख लेते हैं RBC। RBC को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनमें एंटीजन पाया जाता है। देखो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, AB कैपिटल में लिख रखा है, तो एंटीजन को मैं दिखाऊंगा कैपिटल से और एंटीबॉडीज को दिखाऊंगा मैं स्मॉल से। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि एंटीबॉडी स्मॉल है और एंटीजन वो है कैपिटल में, और यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। और एंटीबॉडीज में जो होते हैं RH फैक्टर्स, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। जब डॉक्टर क्या करता है, आपका ब्लड निकालता है, आपके हाथ पे यहाँ पे एक छोटा सा स्टेसिस लगा के खून निकालता है, और उस खून को माइक्रोस्कोप में ले जाके चेक करता है, तो अगर आपके ब्लड के ऊपर जो ब्लड है RBC, मैंने बताया था RBC कैसी होती है, गोल होती है, याद रखना। ये सारे ब्लड ग्रुप किस में निर्धारित होता है, RBC के ही अंदर, क्योंकि यही क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने ले आने का काम करता है RBC। ठीक है, तो RBC के ऊपर जो ये कर्व जैसा स्ट्रक्चर है, अगर ये कर्व जैसा स्ट्रक्चर होगा, रेक्टेंगल जैसा, त्रिभुजाकार ऐसा, इसी के ऊपर, तो कहा जाता है कि यह ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि इसके अंदर ए एंटीजन है, तो ये कौन सा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए है। अगर ये कर्व जैसा होगा तो ऐसे, तो ये ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें एंटीजन ए है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, जो यहाँ पे कर्व होगा, मुड़ा हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये तो आपका रेक्टेंगल जैसा है, बिल्कुल त्रिभुजाकार का, और ये कर्व है मुड़ा हुआ, ताकि इसके अंदर फंस ना जाए। इसीलिए अगर ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और अब आते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। ब्लड ग्रुप बी कैसे चेक करते हैं, जब वो आपका ब्लड निकालेगा और वो इस माइक्रोस्कोप में देखेगा, तो उसके ऊपर ऊपर ये आधा हाफ हाफ को दिखाई देगा, ये कर्व जैसा गोल गोल, हाफ गोल गोल आपको कर्व जैसा दिखाई देगा, जिससे वो पता कर लेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। लेकिन इस ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी होगा, इस एंटीबॉडी के ऊपर अब यहाँ पे आ जाएगा रेक्टेंगल जैसा त्रिभुजाकार धंसा हुआ रहेगा, तो कहा जाएगा कि एंटीबॉडी जो एंटीजन ए है, बी है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी है, ए है, जो इसके ऊपर फंसता नहीं है। अगर ये फंस जाएगा एक दूसरे के ऊपर, तो ये काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर एंटीजन ए है, यानी ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीबॉडी बी, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए। उसके बाद आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, ये आपको समझ में आ गया,
अगर ये त्रिभुजाकार है तो ए, और ऐसा है तो कर्व जैसा घुमा हुआ है तो बी। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी में। ए बी में क्या होता है कि कर्व जैसा भी होता है, देखिए यहाँ पे कर्व जैसा भी है, घुमा हुआ भी है सभी में, और ये रेक्टेंगल जैसा भी है, त्रिभुजाकार भी है। यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर इसके अंदर ब्लड एंटीजन बी अगर या सॉरी एंटीबॉडी अगर ए हम रख दें, तो एंटीबॉडी बी में क्या होता है, ऊपर कर्व होता है। अगर ये कर्व होगा तो ये कर्व वाले में जाके फंस जाएगा। अगर इसी के अंदर एंटीबॉडी ए रहता तो एंटीबॉडी के ऊपर क्या होता है, ये होता है। ये क्या होगा, एंटीबॉडी इस रेक्टेंगल में आके फंस जाएगा, जिस वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रकृति ने, नेचर ने इस इसमें दोनों दिया एंटीजन, इस वजह से एंटीबॉडी दोनों नहीं दिया है। अगर एक दूसरे से विरोधाभास हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप फ्लो ही नहीं कर पाएगा, इस वजह से इसमें एक भी एंटीबॉडी पाए ही नहीं जाते। ब्लड ग्रुप ओ में देखिए, ब्लड ग्रुप ओ बस गोल है, बीच में ओ लिखा हुआ है, और ऊपर ना ही कर्व है और ना ही ये रेक्टेंगल है, दोनों आपको नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। लेकिन जब कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो इसमें एंटीबॉडी ए भी नहीं फंस पाएगा कर्व होने के साथ, और एंटीबॉडी बी भी नहीं फंस पाएगा। इस वजह से इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है और एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है। इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसलिए अब देखिए, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा यानी कि बीमारियों से कौन लड़ते हैं, एंटीबॉडी। हमारे शरीर के ऐसे बनाया, नेचर ने बनाया है कि जैसे ही कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में हमारे अगर घुसता है, जैसे ही इंटर करता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी तुरंत एंटीबॉडीज बनाने लगती है उससे लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप ओ वाले में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। इसलिए बायोलॉजिकल टर्म में ये कहा जाता है कि इसकी जो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो कम बीमार पड़ते हैं, और जिन लोगों का, अब देखिए इसमें तो एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता, तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। वो लोग क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, और ब्लड ग्रुप ओ वालों का इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी। देखिए आपने बायोलॉजी टर्म में सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए वाला ए को ही दे सकता है, बी वाला जब आप कभी देखे होंगे खून चढ़ाने जाते, किसी को खून की कमी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उसको खून देने के लिए सेम ब्लड ग्रुप ढूंढा जाता है। अगर वो ए ब्लड ग्रुप का है तो यही ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक से लेके आया जाता है, बी है तो बी ही ब्लड ग्रुप बैंक से लेके आएंगे, और अगर ए बी है तो ए बी ही लेके आएंगे। ऐसा क्यों होता है कि ए वाले को हम बी वाला नहीं दे सकते, बी वाले को ए वाला नहीं दे सकते? देखिए इसमें क्या लॉजिक है, इसके ऊपर जो कर्व वाला ये आपको दिख रहा है, अगर ये त्रिभुजाकार है, अगर इसको हम बी दे देते हैं ब्लड ग्रुप, तो जैसे आप ही का घर है, आप ही के घर में कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी एंट्री करेगा, तो आप उसको गेट पर रोक देंगे और धक्का मुक्की कर लेंगे, चल चल निकल मेरे घर से, ऐसे आप उससे झगड़ा करने लगेंगे कि यार तू कौन है, अनजान है। और जैसे ही को अनजान आएगा, आप दोनों विरोधाभास होगा ना, वो बोलेगा मैं एंटर करूंगा, तुम बोलोगे मैं नहीं करने दूंगा, दोनों एक ही गेट पर फंसे रहेंगे। वही चीज़ होती है, अगर ये तुम ब्लड ग्रुप तुम्हारे बॉडी में है तो ये इसको रिसीव ही नहीं करेगा, कहेगा कि तुम कौन हो, तुम मेरे साथी हो ही नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम हटो यहाँ से। अब ये इसको रोक लेगा, क्योंकि ये जो है इसका कर्व वाला, इसके ऊपर आके फंस जाएगा। इसका जो एंटीजन ये देख रहे हो, इसका जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी आपने पजल्स खेले होंगे ना, पजल्स पजल्स में क्या होता है, यहाँ पे है तो अगर ये अंदर वाले को यहाँ फिट कर दिया जाता है, पजल्स में मिलाया जाता है, जहाँ गैपिंग होती है वहाँ उसको ले जाके फिट कर देते हैं, सेम वही चीज़ है। यहाँ इसका एंटीबॉडी अंदर की तरफ धंसा हुआ है और ये उठा हुआ है, इसका एंटीबॉडी इसके ऊपर आके फिट हो जाएगा, और इसका एंटीबॉडी ऐसे फिट हो जाएगा, ऐसे सभी पे एंटीबॉडीज ऐसे आके फिट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि ब्लड आगे फ्लो ही नहीं करेगा, वहाँ पे एक दीवार जैसी बन जाएगी, जिसको बोलते हैं खून का थक्का जमना, और आदमी की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस वजह से हम सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को अगर हमने ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी है, और एंटीबॉडी बी देखिए कर्व है, और यहाँ पे भी क्या है, कर्व है। तो जैसे ही अगर हमने ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो इसका एंटीबॉडी है इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये फंस जाएगा, और जब इसके ऊपर फंस जाएगा तो इसको लॉक कर देगा, और जब लॉक कर देगा तो ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। लेकिन अब इन दोनों में देखिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। इसमें ब्लड ग्रुप ओ है,
कहा जाता है कि वो सभी को दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है और ए भी पाया जाता है। ये किसी को भी दे सकता है, क्या इसको सर्वदाता कहते हैं। ये इसे भी दे सकता है, इसको देगा तो इसका एंटीबॉडी बी वर्क करेगा, इसको अगर देगा तो एंटीबॉडी ए वर्क करेगा, ए बी को अगर देगा तो इसमें दोनों एंटीबॉडीज, इसमें कुछ है ही नहीं तो दोनों वर्क करेंगे। इस वजह से एंटी ओ जो है ओ को सर्वदाता कहा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी क्या कर सकता है, ब्लड दे, यूनिवर्सल इसको बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सभी को दे सकता है। अब इसमें आर एच फैक्टर क्या होता है ना, आर एच फैक्टर और आफ्टर मैरिज किस ब्लड ग्रुप में, कौन से आर एच फैक्टर में शादी करने से आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत होने लगती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।